जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता की जो मांग वाले जो अभ्यर्थी है, जो पंचायती राज जेएन भर्ती की जो विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे वो अभ्यर्थी है, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती वाले हैं, और जो मित्र ऑपरेटर राजाराम और सीताराम जी की जो टीम है। साथियों, जब भी मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव बुलाएंगे, उन्होंने, मैं कई बार दो बार उनको मैसेज कर चुका हूं, वो कह रहे कि जल्दी आप लोगों के प्रतिनिधिमंडल को अंतिम वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। शिक्षा, चिकित्सा और डीओपी की वार्ता के बाद अब मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब के साथ फाइनल मीटिंग होनी है। जब बुलाएंगे मैं आपको सूचना दे दूंगा, हम लोग वही फाइनल मीटिंग हो, उसमें तय हो पाएगा जो होना हो। और जो लिखित समझौते में जो मांगे शामिल है, कनिष्ठ अनुदेशक और पंचायती राज जैन भर्ती दोनों लिखित समझौते में शामिल है। जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती शिथिलता वाली वो बाद में आई थी, शिथिलता मांग रहे, उनसे कुछ मांग रहे, और जो इमित्र ऑपरेटर वाली भी बाद में आई थी। लेकिन ये पिछले हम 2-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं इन दोनों भर्तियों के लिए, जो लिखित समझौते में शामिल है, लखनऊ समझौते में शामिल है। तो आप चिंता ना करें, मैंने पहले भी कहा था ये मांगे पूरी होंगी। मैं विशेषकर पंचायती राज जैन भर्ती और कनिष्ठ अनुदेशक वाले अभ्यर्थियों को कह रहा हूं, उपेंद्र यादव जिंदा है, लड़ेगा और हम जीतेंगे हम सब, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मैसेज कर रहे कि उपेंद्र यादव जी ट्वीट नहीं कर रहे, ग्रुप में नहीं। अरे भाई, मुझे पता है मैं लड़ रहा हूं उसको, मैंने इज्जत की, इज्जत का नाक का सवाल बना रखा, तो आप घबराए नहीं। सरकार ने वादा किया, लिखित समझौता किया, करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब बुलाएंगे, तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता वाला उनका अभ्यर्थी, इमित्र ऑपरेटर के दोनों वो अभ्यर्थी, और आपके कनिष्ठ अनुदेशक पंचायत राज सब रहेंगे, पंचायत राज जैन वाले, और वहां वार्ता करेंगे बैठ के। तमाम चीजों के लिए हमारा संघर्ष जारी है, धोखा होता है तो वो लड़ने के लिए तैयार है, हमने संघर्ष करना नहीं बोला है। लेकिन वो बुलाए तब उसका इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से अनेक भर्तियों के लोग मिलके आए थे, पीसीसी चीफ ने कहा ज्ञापनों पे हम दिखाएंगे क्या हुआ, मैं क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया भारत जोड़ो यात्रा में मिलने के लिए। मेरी एक तस्वीर वायरल हुई थी, मैं हरियाणा था, दिल्ली जा रहा था, वो अहीर रेजिमेंट के लिए, वो उन डेलीगेशन का हमारे साथ जो, मैं उनके साथ गया था, बेरोजगारों की मांगों के लिए नहीं गया मैं, क्योंकि समझौता मुख्यमंत्री जी से हुआ था, मुख्यमंत्री जी के विश्वास पे आए थे, तो पहले मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे प्रमुख सचिव से मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि धोखा होगा तो लड़ेंगे, अन्यथा मुझे विश्वास है कि इस बार वो अपना वादा पूरा करेंगे, मुख्यमंत्री जी जरूर सुनेंगे, इसलिए मैं नहीं गया कहीं पे भी। और उस मीटिंग का आप जी ज्यादा मैं भी इंतजार कर रहा हूं, मेरे से भी नहीं रहा जाता, आएगा वो समय भी, मीटिंग भी होगी, काम भी होगा, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये आप सबके लिए मैसेज है। अब जो चयनित अभ्यर्थी है,